नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस हो। फैसले को पढ़ते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यों के पास भी शक्ति है, लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूद कानून के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। यहां चुनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित है। कोर्ट ने माना कि चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल न हो कि वह राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले, इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उन पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। इस फैसले के बाद पूरे आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सच की जीत हुई है। वहीं इसी संदर्भ में चड्डा ने भी ट्वीट किया है। ट्विटर पर केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधानसभा में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के बॉस हम हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी इस खबर को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और खुशी जाहिर की जा रही है। इस फैसले के आने से पूरे आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है।